मनु अभी तुम कहाँ पर हो? हे भगवान, अब कौन सी भाषा में बताऊँ तुम्हें? जिस भाषा में समझती हूँ ना उसी में बताओ। अरे मैं जेल के गेट के सामने खड़ा हूँ, 10:30 बजे आईजी साहब से अपॉइंटमेंट है, अभी 15 मिनट बाकी है। वैसे तुम अभी कहाँ पर हो? इस बैंगलोर के ट्रैफिक के बारे में तुम मुझसे ज्यादा जानते हो ना मनु, मैं भी ऑन द वे हूँ। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा तुम्हारे भाई का नाम क्या है? सच्चिदानंद सर। हाँ सच्चिदानंद, जिस गुनाह में कैद है ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर कैद हैं। कर्नाटक के हर जेल में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। अगर आप इसे छुड़ाना चाहते हो तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। मैं उन सबको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं तो बस अपने भाई को छुड़वाना चाहता हूँ। उस आदमी ने तुम्हें पकड़ के जेल में नहीं डाला, तुम ऐसे क्यों बोलते हो मनु? तो फिर इसकी बातें सुनकर लग रहा था कि सबके रिश्तेदारों को बुलाकर यहीं पर धरना कर दूं। सरकार के पास बहुत पैसा है, 90 क्या 900 लोगों को जेल में रख सकते हैं, पर मैं अपने भाई को जेल में नहीं रहने दूंगा। थोड़ा धीरे सुनो, अब हमें डीजीपी साहब से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। मंगलापुरम जेल वार्डन की रिपोर्ट बहुत फेवरेबल है, ये मैं रिकमेंड करके गवर्नमेंट को भेजूंगा। सर इससे पहले जो यहाँ बैठते थे वो डीजीपी भी यही बोलते थे, और फिर जब लिस्ट आएगा सिर्फ मेरे भाई का नाम नहीं रहेगा। तो फिर गवर्नमेंट के साइड से कुछ तो आएगा? मेरे जन्म होने से पहले ही जेल गया था मेरा भाई, इस साल मैं 24 साल का हो गया हूँ। भाई की डबल लाइफ टाइम सजा भी पूरी हो गई, तो इस बार क्या प्रॉब्लम है सर? वेल, आप लोग होम मिनिस्टर से मिलकर एक कंप्लेंट दे दीजिए। हेलो, कहाँ हो तुम? सॉरी यार, दीदी ने गुड्डू को स्कूल से पिक करने के लिए बोला था, इसको घर पे ड्रॉप करके आती हूँ। इतने में तो मिनिस्टर साहब यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसको भी साथ में लेकर आ जाती हूँ, ओके? ठीक है, जल्दी आओ। ये फाइल दे देना। आजा। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग। ओहो, इस बार पप्पू को भी मिलवाने लाए हो। बस पहचान नहीं करवाना चाहता, इसे भी तो पता चले कि दुनिया किस रंग की है। तुम्हारी बात से ही पता चल गया कि काम नहीं होने वाला है, बैठ जाओ। ये रिक्वेस्ट लेटर है अंकल, अगर आप एक बार कह देंगे तो मिनिस्टर साहब आपकी बात को टालेंगे नहीं। वो मेरी भी उतनी ही सुनता है जितना तुम्हारी सुनेगा, मिनिस्टर थोड़ी रिश्तेदार है। अब फाइल में आगे पहुंचा देता हूँ, लेकिन कोई उम्मीद मत रखना। अच्छा चलो। तुम लोग कई सालों से यहाँ आते जाते हो, इसीलिए मैं खुला बता रहा हूँ, इंटेलिजेंस रिपोर्ट तुम्हारे भाई के अगेंस्ट है। ये तो अन्याय है सर। तुम्हारे भाई को बाहर छोड़ना खतरनाक है, दैट्स द इंटेलिजेंस रिपोर्ट। हाँ चलिए भाई, चलो। एक्सक्यूज मी। चलिए, अब सिर्फ एक ही आदमी तुम्हारी सहायता कर सकता है, एडविन मोजेस। ये लो, इस नंबर पे बात कर लेना। गुड मॉर्निंग साहब। सर ये सेंटर से सच्चिदानंद के लिए लेटर आया है। मुझे ग्राउंड में थोड़ा काम है, उसके बाद आके मिलने के लिए कहो। ओके सर। क्या है? मैंने क्या किया है भाई, मुझे क्यों मार रहे हो? आखिर मुझसे गलती क्या हुई? तो तूने कुछ नहीं किया बेटा, सुअर कहीं के हलवा समझा है? इधर आ, मुझसे पंगा। कहीं के तू और मैं, हम दोनों यहां पर सजा काटने आए हैं। अगर तूने दोबारा इसके ऊपर हाथ उठाया तो तुझे काट के फेंक दूंगा सुअर कहीं के। व्हाट हैपेंड सची, क्या मैटर चल रहा है? अरे तो म्हटला होता की काय त्रासच देतोय खरं, आपण पण काय करतच नाही त्याला सुट्टीसाठी म्हटले मी। आओ, इस बार रिहाई के लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है, कांग्रेचुलेशंस। ये लो तुम्हारे भाई की चिट्ठी।
मेरे प्यारे भाई, इस बार एक गुड न्यूज है। आपका रिलीजिंग ऑर्डर मिनिस्टर ने साइन कर दिया है। मुझे पूरा यकीन था भाई कि एक ना एक दिन आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। और देखिए, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा घर बहुत खुश है। आपके आने की खुशी धूमधाम से मनाई जाएगी। बाकी सब मिलकर बात करेंगे। इस स्वतंत्रता दिवस मैं जेल के बाहर आपका वेट करूंगा। अपना ख्याल रखिए। आपका छोटा भाई मनु। फोटो मत खिंचवाओ वरना मुहूर्त निकल जाएगा, मंडप में नहीं पहुंच पाएंगे। तू ऐसे खुश हो रहा है जैसे शादी तेरी खुद की हो रही है। भले ही शादी मेरी नहीं हो रही है, लेकिन मैंने पिताजी को शादी के लिए मनाया है, वरना ये शादी कभी नहीं होती। सच्चिदानंद बेटा, मेरे जमाने के सारे लोग तो परलोक जा चुके हैं, नहीं तो किसी दोस्त की पोती से तेरी शादी करवा देता मैं। आप क्यों मेरे पोते की शादी कराना चाहते हो? अभी तो ये अपनी नई माँ के आने की खुशी में है। पापा, आप मेकअप नहीं करवाएंगे क्या? नहीं बेटा, तूने जो मेरा गेटअप बनाया वही काफी है। चल इधर आ। विष्णु, छोड़ो इसे, कहाँ ले जा रहे हो? नहीं, इसे नहीं ले जाने दे। छोड़ इसको, ये मेरा बेटा। तू कौन होती मुझे रोकने वाली? छोड़ो मुझे। मुझे गुंडा साबित कर दिया, मुझे पागलखाने भेज के मुझसे डिवोर्स ले लिया, और अब शादी करके मजे ले रही है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा मैं तुझे। विष्णु छोड़ यहाँ से। जवाब नहीं देता है। परिकर, ये इतना मार खा रहा है, फिर रो क्यों नहीं रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। इसने मलम लगाया होगा, इसीलिए लग नहीं रहा है। ए, ये मार इसके लिए कुछ नहीं है, अपनी माँ के पहले पति को मार कर अंदर आया है। आइला, खून की है क्या? चा आइला दलिंदर, मारने का फायदा ही नहीं है। अरे चलना।
दिया ना तो फिर खड़ा क्यों है? ए चुप कर, इसकी थाली में और खाना डाल दे, नेता मत बन। क्या भाई, मैंने सुना कि तुमने किसी का खून किया है, किसी और का गुनाह अपने सर पे ले लिया है ना? नहीं, मैंने ही खून किया है। हाँ, हाँ तू ही सबसे प्यारा है, मेरा दुलारा है, रूठो ना कुछ तो कहो, दिल मेरा धड़के है, बस तेरे संग से ही ऐसे ही संग संग रहो। तू ही सबसे प्यारा है, मेरा दुलारा है, रूठो ना कुछ तो कहो, दिल मेरा धड़के है, बस तेरे संग से ही ऐसे ही संग संग रहो। खान और घनी को वार्डन पकड़ कर ले गया है। सोचो मत मारो, मैं मान लेता हूँ, सब कुछ मैंने किया है। कितना दुष्ट है। तेरी इतनी हिम्मत, तू तेरे काम के बीच में आता है? हाँ, although the accused are both young, this court cannot take lightly the crime they have committed, considering that the crime took place within the confines of a juvenile home and the victim was a serving police officer. The accused do not deserve any degree of leniency, especially the prime accused, Sachidanand. At the time of the crime, he had turned an adult by then. This court orders that the prime accused, Sachidanandan, be sent to the central jail to serve out a double life sentence. अंधेरे में क्या किताब पढ़ रहा है, लाइट नहीं चालू कर सकता? अंधेरा कब हुआ पता ही नहीं चला। अरे सच्चिदानंद को अंधेरे में भी दिखाई देता है। कैरी ऑन। मेरा भाई कितना सुंदर है, कैसे कोई इतने दिन तक इसे जेल में बंद रख सकता है? आओ। अरे आपको पता है, पावर शो और प्रिजन ब्रेक जैसी अमेरिकन टीवी सीरीज हैं, उसमें जो स्टोरी चलती है वो बिल्कुल आपकी जिंदगी की स्टोरी से मैच करती है। अगर इस बार भी आपको नहीं छोड़ते ना, तो मैं भी वैसा ही कुछ करता। आइए बैठिए। हाँ। मैंने आपसे कहा था ना, आप जब भी घर वापस आएंगे आपका धूमधाम से स्वागत करेंगे। आपके आने के बाद ही विष्णु भाई शादी करेंगे। हाँ। लड़की भी उनके साथ डॉक्टर है, नाम है वंदना। भाई ने जिद लगा के रखी थी कि आपके आने के बाद ही शादी करेंगे। हाँ। अब आप आ गए हैं तो शादी भी हो जाएगी। सच्ची भाई, परेकर खान। हाँ। गनी। हाँ, मैंने तो पहले ही बोला था, भाई अपन को देखते ही पहचान लेंगे। कैसे नहीं पहचानते, हम तीनों साथ आए ना, इसलिए पहचाने। ये क्या बकरा, हम क्या हमेशा साथ में रहते हैं?
हम तीनों बचपन से साथ में हैं, इसमें नया क्या है? मनु, ये है परिकर, खान, गनी। हम सब लोग एक साथ बाल सुधार गृह में थे। मेरा छोटा भाई मनु, हाय हाय, हेलो, यहां मुझे लेने के लिए आया है। सच्ची भाई, एक मिनट। हाँ, अभी आया। अभी क्या आप अपने घर रहने के लिए जाएंगे? हाँ। और कहाँ जाऊंगा मैं? सच्ची भाई, अपन के वास्ते एक काम आया है। कहाँ पे? बैंगलोर में। वहां से अपन के लिए बहुत अच्छा ऑफर आया भाई। मुंबई का कोई ड्रग डीलर है, नाम है एडविन मोजेस। बैंगलोर में ड्रग की डीलिंग वही करता है। करोड़ों का धंधा है। हाँ। अपना भी फायदा होगा, 50-50। मैं अभी अभी तो बाहर निकला हूँ, तुम सब मिलकर मुझे दोबारा अंदर भेजना चाहते हो? ज्यादा दिन की बात नहीं है, थोड़ा पैसा कमाने के बाद अपन धंधा छोड़ देंगे। हाँ। पैसा अपन किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट कर देंगे, फिर वहीं सेट हो जाएंगे। हाँ, जैसे विजय माल्या, चौकसी, नीरव मोदी ने किया है, वैसे अपन लोग भी करेंगे। अभी मैं बस अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता देखूंगा, बाद में तुम लोगों को भी बुला लूंगा। हमें पता है कि आप हमें नहीं बुलाएंगे, फिर भी आप इसे रख ली। ये क्या है? ये हमारा फोन नंबर है, कभी जरूरत पड़ जाए तो। बिना ठीक से सोचे समझे गलत रास्ता मत चुन लेना, मैं कॉल करूंगा। हेलो, वो मना करके निकल गया, लेकिन उसे कैसे रास्ते पे लाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आओ भैया। ये बैग, भैया ये मुझे दो। अरे अरे दो ना। आओ चलो, आओ ना। कैसे हो भैया? विष्णु,
भैया आप यहाँ आराम कीजिए, मैं मेहमानों को छोड़ के आता हूँ। भैया भैया कहाँ चले गए? सचिव भाई क्या हुआ? भाई कमरे में नहीं है। क्या? मैं कमरे में खुद छोड़ के आया था, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ मामा जी, भैया दिख नहीं रहे। अभी अभी तो बेचारा आया है, सोने तो कल मिल लेना। क्या बोल रहे हैं ये, हे भगवान। हाँ बेचारा अकेले सो रहा है, उसको सोने भी नहीं देते। आपको पता भी है वो इस वक्त अपने कमरे में नहीं है, है? चला जा। अगर वो ऐसा है तो उसके ऊपर हमें सख्त नजर रखनी होगी। बेचारा अलग दुनिया से छूटकर आया है ना, देखने में आया है कि ऐसे लोग ही आत्महत्या करते हैं। ओहो भाई बहन दोनों एक ही जैसे हैं, वो भी ऐसा ही नाटक करती थी। मैं तो बोल रहा हूँ कि मामा जी प्लीज प्लीज। मनु हाँ, अंदर से कोई आवाज आ रही है। यहां सो रहे हैं है? भैया मैं हूं। मनु मनु भैया ये क्या भाई, ये भी कोई सोने की जगह है? वहां लेटकर मैं सो नहीं पा रहा था, मेरी आदत नहीं रही ना। अच्छा भैया उठिए। थैंक यू फॉर कमिंग डॉक्टर। हेलो डॉक्टर सुधाकर रेड्डी। हेलो। और ये इनकी वाइफ। नमस्ते नमस्ते। भैया सुनो ना। भैया मैं रजनी। भैया ये मेरी दीदी पलक। हाय। नमस्ते। मैं इनका पापा हूँ कल्याण कुमार। ये मेरी दीदी का बेटा पप्पू। नमस्ते। आप लोग सब यहीं रहते हैं क्या? ओह सॉरी, शादी में आए होंगे। मैं भी शादी में आया हूँ। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। ओके बड़े भैया कैरी ऑन, मैं इन्हें संभालती हूँ। ये ऐसा क्यों बोल रहे थे? वो क्या है ना भाई, कुछ दिन से बाहर रह रहे थे इसी वजह से। सचिव भाई। हाँ भैया। हाँ आप रेडी हुए या नहीं? हाँ, हाँ। सच्चिदानंद दरवाजा खोल। अब हाँ? हाँ? आपको इतना पसीना हाँ? क्यों आ रहा है? अंदर बहुत गर्मी हो रही थी। झूठ बोल रहा है। हाँ? एसी वाले रूम में। फिर तुम्हारा एसी खराब हो गया होगा। हाँ? भाई आप चलिए ना, पिताजी कब से पूछ रहे हैं। आप लोग जाओ, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगा। हाँ? साथ में क्या प्रॉब्लम है? भीड़ कम हो जाएगी तो आराम से आ जाऊंगा। अब ये क्या बकवास कर रहा है, भीड़ कम होगी तो क्या कचरा साफ करने आएगा? भैया हाँ? ये भीड़ देख के आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? ऐसे ही छुपकर रहेंगे तो डर कभी भी दूर नहीं होगा। मनु तू जाके जल्दी से सबको तैयार कर, मैं इसको लेकर आता हूँ। चल वेलकम प्लीज। चलो इस तरफ। प्रताप ये ना मोहन का बड़ा बेटा सच्चिदानंद है। हेलो हाउ आर यू? ये लड़की का बाप है प्रताप, यहाँ का डीजीपी है यार। वेलकम सर, प्लीज कम। मोहन जी विष्णु का फादर। नाइस मीटिंग यू सर, दिस इज माय सन सचिदानंद एंड ही इज माय अंकल विजय कुमार। हेलो प्लीज कम सर। क्या भैया सैल्यूट क्यों मार रहे हो? पुलिस ऑफिसर को देख के सैल्यूट मारने का जेल में सिखाया जाता है। वे ये कोई जेल नहीं और तू कोई मुजरिम नहीं, सबके सब यहाँ पर मेहमान आ रहे हैं। हेलो नाइस मीटिंग यू सर। नाइस मीटिंग यू टू, दिस इज माय सन सचिदानंद। हेलो पिताजी एक गिलास पानी पी लूं, आपकी परमिशन चाहिए। मैं अभी आ जाऊंगा। हाँ जल्दी जाओ। हाँ ठीक है। हे हेलो सर।
एक गिलास पानी पी सकते हैं? ओके सर। ओके सर, पानी पीने के लिए भी दूसरों से टेस्ट करवा के पीते, इतना क्या फालतू का नाटक है। सर एक मिनट। सर मुझे एक गिलास पानी पीना है। सर मेरे को सर बोल रहे हैं क्या? हाँ। लगता है अच्छे दिन आ गए। ये लो सर, पी लो ना। एक गिलास और चाहिए। हाँ लीजिए ना सर। ये क्या कर रहा है बे? पानी के लिए कोई पूछता है क्या? प्यास नहीं बुझ रही है, चल रख नीचे। हाँ आइए सर। पिताजी मुझे अभी की अभी लघु शंका के लिए जाना होगा। हाँ कब से पानी पी रहा है तो निकालना ही पड़ेगा। हे उधर सामने टॉयलेट है। हाँ, जा जल्दी। हाँ, ये जेल से आने के बाद हर काम के लिए परमिशन मांगता है। हाँ जेल ने तो इसे बिगाड़ के रख दिया है। फूल हमेशा भाई साहब भाई खुश रहो। भैया आप भी जाओ। मैं भी जाऊं? अरे जाओ ना। अब मैं जा आगे जा ना। तू जूता निकाल के आशीर्वाद तो दो। ओके चलते हैं। चलो सर। विष्णु आओ, लगता है तुम्हारे भैया पुलिस में हैं। पुलिस में तो नहीं है लेकिन पुलिस वालों से बहुत ही अच्छी जमती है उनकी, ऐसा कह सकती हो। हाँ कैसे हैं? ठीक हूँ। एक मिनट। हाँ हाँ बेटी बोलो। पापा मैंने उस ऑफिसर को देखा। पूरा हॉल तो ऑफिसर से भरा पड़ा है। तुम किस ऑफिसर की बात कर रही हो बेटी? अरे जिसने मुझे पहले बचाया था, वो कमांडो ग्रुप वाला ऑफिसर। उसे तुमने कहां पर देखा? यहीं पर। वो विष्णु का बड़ा भाई है सचिदानंद। ए, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें धोखा हुआ है। नहीं पापा वो वही है, मुझे पूरा यकीन है। वंदना यहाँ क्या कर रही हो? सब ढूंढ रहे हैं। अच्छा पापा मैं चलती हूँ। ठीक है चलो जल्दी चलो। अरे कहाँ रह गई थी? तुम इधर आओ सची। ये आवाज कहाँ से आ रही है? गैराज में से आवाज आ रही है। सर सर लगता है गैरेज में कोई है। शटर का ताला तोड़ के अंदर गया है, चाबी तो मेरे पास है। सर 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 ध्यान से सुनिए, लगता है वो सेफ तोड़ रहा है। अरे बाहर कौन सा सेफ पड़ा? बाहर से कोई सेफ लेकर आया होगा ना सर। क्या मतलब? मैंने इंग्लिश पिक्चर में ऐसा बहुत देखा है सर। साहब लगता है कोई कार चोर है। हे अगर कार चोर होता तो कोई और कार चोरा था, बंद कार से क्या कर रहा है? इसे पता नहीं होगा ना। हाँ बाहर निकल के ना उसको एक रैपटा मारते ना। कौन है नीचे? संभाल किया, उसके हाथ में हथौड़ा है शायद। चल बाहर निकल। भैया आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सोचा थोड़ा कार ही ठीक कर देता हूँ। अब अंधेरे में कौन कार बनाता है बेटा? नीचे जाते वक्त तो उजाला था, अंधेरा कब हुआ पता ही नहीं चला। ठीक है मैं समझ गया, चलो अब यहाँ से। हाँ मैंने सोचा कि हाँ ठीक है ठीक है। मन्नू ले जाओ इसे कमरे। चलो भैया। ये अब स्पैनर। स्पैनर गया फेल ले। अबे फट्टू इस सचिदानंद से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, जब मैं ऊटी में पढ़ती थी एक टेररिस्ट ग्रुप ने मुझे अगवा कर लिया था, तो फिर एक कमांडो ऑपरेशन में पुलिस ने मुझे बचाया था। उस कमांडो ग्रुप में सचिदानंद भी थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लगता है तुम्हें वहम हुआ है। मेरे सच्ची भाई तो जेल में थे।
वो भी पूरे 24 साल। सर ए, सर आप लाइन में सबसे पीछे, चलो चलो पीछे चलो, पीछे सर। ए, लाइन कभी नहीं तोड़नी चाहिए। हा? जो पहले आया वो पहले खाएगा, जो बाद में आया वो पीछे खड़ा रहेगा। चलो चलो चल। अशोक क्या बात है ना, ये लोग बाहर जाके पढ़ के आते हैं ना, वहाँ पे ऊंच नीच बिल्कुल नहीं देखी जाती, इसीलिए लोग बाहर जाते हैं। सोशलिज्म हाय है, अपन पता नहीं ये सोशलिज्म कब सीखेंगे। यहाँ आप लाइन में क्यों खड़े हो? क्या बिगाड़ ने, आओ अंदर चलो। क्या हुआ? छोड़ो, अरे आप नौकरों के साथ लाइन लगा के क्यों खा रहे हैं? यहाँ बैठिए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सचिव भैया। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या भैया आप स्कूल के स्टूडेंट हो, खड़े होके गुड मॉर्निंग बोल रहे हो? दोबारा खड़े होके किसी को गुड मॉर्निंग मत कहना। ओके भैया, रात भर वंदना मुझसे एक बात पर लड़ती रही, जरा वो देना। इसका यह कहना है कि आपने किसी टेररिस्ट मिशन पर इसकी जान बचाई है। मुझे बचाने के लिए तो मनु आया, मैं किसी को कैसे बचा सकता हूं? वही तो। क्या हुआ भैया? मेरा हो गया। ऐसे अचानक क्यों उठ गए? ना, ये सब क्या चल रहा है? ये चोट कैसे लगी जानते हो? मुझे बचाते वक्त इन्हें लगी थी। क्यों भैया, मैं झूठ बोल रही हूं, इन्हें बता दो। ये झूठ नहीं बोल रही, वो मैं ही था। मुझे अंधेरे में दिखाई देता है, ये बात जेलर को पता लग गई थी, इसलिए वो हर दिन मेरा इस्तेमाल करने लग गया। हर रात को वो लोग कहीं ना कहीं मुझे ट्रेनिंग पे ले जाया करते थे। मेरे साथ ट्रेनिंग में बहुत सारे कैदी थे और बहुत सारे कठिन मिशंस पर हम लोग साथ में गए। उन्हीं सब कठिन मिशंस की तरह वो मिशन भी था। अंदर सभी के पास हथियार थे, लेकिन मैं नहीं था। ऐसे होता था वो ऑपरेशन।
सुन। कई बार मिशन से काफी लोग जिंदा वापस नहीं आ पाते थे। जेलर लिख देता था कि वो लोग फरार हो गए, फिर किसी की लाश ढूंढ के उन्हें हम लोगों का नाम दे देता था। ऐसा ही खेल जेल के अंदर बहुत दिनों तक चलता रहा, कोई नहीं पूछता था। वैसे भी मुजरिमों की बाहर समाज में जरूरत भी क्या है, इसलिए कोई ध्यान भी नहीं देता था। ऐसे ही मेरे कितने साल इसी तरीके से बीत गए, ट्रेनिंग लेते रहते, आदत सी हो गई। इतने दिनों तक इस काम के लिए अंदर रखे थे भैया को? बोल रहा था इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इन सब की तो। देखो भाभी, आई एम सो सॉरी, दे आर डेविल्स, डर्टी डेविल्स, इंक्लूडिंग योर डैड। आई थिंक आपको इस बात को मामूली नहीं समझना चाहिए सर। इस ग्राफ को एक वार्निंग समझिए, एडविन मोजेस की तरफ से। एडविन मोजेस? मे बी। उसके किए हुए हर एक क्राइम स्पॉट पर ऐसे ही निशान पाए जाते हैं सर। सॉरी वेदांता, सिट डाउन। हाँ बोलो बेटे। पापा, जेल में आप लोग कैदियों को मरने के लिए मिशन पर भेजते हैं क्या? आखिर तुम ऐसी बकवास बातें कहां से सुन लेती हो? The truth always hurts. What truth? बिना काम के फोन करके मेरा दिमाग मत खराब करो। फोन रखो, मैं मीटिंग में हूं। वेदांता, मैंने तुमसे कहा था, वो आदमी ठीक नहीं है। सॉरी सर, आखिर कौन है ये? और कौन होगा? सच्चिदानंद। ओह, सर के सनी लॉ का बिग ब्रदर। मैंने उसकी पूरी कुंडली निकाली है सर। बहुत ही ओबीडियंट है, वेल बिहेव्ड। जेल में इतने सालों में कोई कंप्लेन भी नहीं आई। इनफैक्ट ही इज अ वेरी टैलेंटेड मैन। हमारे जितने भी कमांडो हैं सर, उसकी स्किल उनसे बेटर है। हमारे बहुत सारे रिस्की ऑपरेशंस में उसकी मदद ली गई है। दैट्स व्हाई पूरी सजा हो जाने के बावजूद उसे रिलीज नहीं किया गया सर। और फिर उसके यंगर ब्रदर ने हायर इन्फ्लुएंस लगाया, इसीलिए उसे छोड़ना पड़ा। वो बात तो ठीक है, अगर उसने ये बातें बाहर बता दी तो डिपार्टमेंट की इमेज का क्या होगा? वो बाहर नहीं बताएगा सर। फिर वंदना को कैसे पता चला? वो तो आई डोंट नो सर। वैसे उसने आपकी बेटी को बचाया भी है, इसीलिए शायद आपकी बेटी उसे भूल नहीं पाई हो। विथ योर परमिशन सर, आई विल टॉक टू हिम। मैं आपको जुबान देता हूं कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बैठो। नहीं नहीं, मैं खड़ा ही ठीक हूं। हमारी बात मानने के लिए तुम जेल में थोड़ी ना बंद हो, बैठ जाओ। मुंबई से यहां आके मुझे 3 साल हो गए। इसके पहले मैं दिल्ली में था। वहां एनकाउंटर में कुछ टूरिस्ट क्रिमिनल्स को मारने की वजह से मैं नेताओं की नजर में आ गया था, तो बस दे ट्रांसफर्ड मी। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर? ड्रग माफिया को फिनिश करने के लिए मुझे यहां पोस्ट किया गया है। 3 साल में मुझे पूरे शहर को क्लीन करना है। ड्रग ट्रैफिकिंग में आज तक मैंने किसी को अरेस्ट नहीं किया और जेल में भी नहीं भेजा। एनकाउंटर में सबको मार डाला। इसी को लेकर हर डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स चल रही हैं, बट आई जस्ट डोंट केयर। नाउ माय प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। ड्रग माफिया स्ट्रांगली वापस आ गए और इन्हें जो कंट्रोल करता है वो है एक एडविन मोजेस। उसको आज तक किसी ने नहीं देखा और उसके लिए काम करने वाले गुंडे, क्रिमिनल्स,
जस्ट नॉर्मल पीपल, उन्हें ट्रैप करके अपना काम निकालता है। जब वो पकड़े जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो ड्रग्स का धंधा कर रहे थे। तुम सोच रहे होगे कि ये सब मैं सच्चिदानंद को क्यों बता रहा हूं? हाँ, बिकॉज एडविन मोजेस को खत्म करने के लिए मुझे सच्चिदानंद के हेल्प की जरूरत है। कुछ दिन पहले एडविन मोजेस का एक कंटेनर मिस हो गया, उसमें ड्रग्स भरा हुआ है। ये काम किसने किया ये जानने के लिए उसने क्रिमिनल्स बुलाए हैं। सारे के सारे ट्रेन क्रिमिनल्स हैं, इसीलिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। 24 साल तुमने जेल में बिताए हैं सच्चिदानंद, इस सिटी में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन्हें अच्छी तरह जानते होगे। तुम्हारे कनेक्शंस को यूज करके शहर में कौन उसके लिए काम करता है ये जानना आसान होगा। जेल में रहते हुए भी तुमने डिपार्टमेंट की बहुत मदद की है, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूं। सर, आपने जैसे पहले कहा, अभी मैं जेल में तो नहीं हूं ना, तो पुलिस की बात क्यों मानूं भला? अभी तक मैंने अपनी सारी जिंदगी जेल में बिताई है और उस जिंदगी के बारे में अब याद भी नहीं करना चाहता। आगे की जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूं। सर, मेहरबानी करके मुझे दोबारा इस काम के लिए मत बुलाइए। और ये काम मेरा तो है ही नहीं। ओके, मैंने तो बस रिक्वेस्ट किया था। इस बात को यहीं भूल जाओ सच्चिदानंद। सर, यू कैन गो। सर, सच्चिदानंद, सर, जिस मामले को याद नहीं करना चाहते हो उसे अपनी जुबान पर कभी मत लाना। जेल में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ ये बाहर किसी को मत बताना, क्योंकि अगर बताओगे तो पुलिस तुम्हें जेल में फिर से डाल देगी और फिर तुम बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाओगे। जानता हूं सर, और ध्यान रखूंगा। कौन था भैया? आई एम वेदांत आईपीएस, एंटी नारकोटिक्स एंड ड्रग्स प्रिवेंटिव स्पेशल ऑफिसर। बैंगलोर जेल में बंद क्रिमिनल्स की जानकारी के लिए मैंने सच्चिदानंद को मिलने के लिए बुलाया था। ये आपका छोटा भाई है ना? मनु, हाय, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। यू गाइस कैन कैरी ऑन। ओके, बाय। तेरे इन जूतों में पेंट कैसे लगा? पता नहीं, लग गया होगा। आप भी कहां कहां ध्यान देते हैं। उस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, वो पुलिस वाला दे रहा था। मैंने देख लिया, आप देख लो। अरे नहीं, मैं इसे देखने नहीं आई हूँ। हाँ? आप अकेले थे ना, तो सोचा थोड़ा बात करेंगे। बात करेंगे ना, इसमें क्या है? मेरे लिए जैसे ऑपरेशन किया गया था, और कहाँ कहाँ पुलिस आपको ले गई थी? कौन? पुलिस? मुझे अभी कुछ याद नहीं है। पिताजी मुझे ढूंढ रहे होंगे, चलना चाहिए। भैया, भैया एक मिनट, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मैंने आपके बारे में प्रोफेसर से बात की। कैदियों के साथ जो मिसयूज होता है उसके खिलाफ हम केस फाइल करेंगे। अरे, सब लोग एक ही रट क्यों लगाए हुए हैं? मैं कैदी थोड़ी ना हूं। ये तो कैदियों की भलाई के लिए है ना भैया। मैंने मनु से भी बात की, इस बारे में उसकी भी यही राय है। दो मिनट रुक जाइए, हम लोग बैठ कर बातें करते हैं। मुझे अभी टॉयलेट जाना है, आने के बाद बात करूंगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ वेट करूंगी। वेट करोगी? वेट मत करो, मुझे टॉयलेट में थोड़ा टाइम लगता है। कितना टाइम लगेगा, मैं वेट करूंगी। सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम भी चलोगी? नहीं, मुझे बड़े भैया से थोड़ी डिटेल्स कलेक्ट करने हैं, आप जाइए। बाय बाय।
अरे भैया यहाँ पर पैदल कहाँ जा रहे हैं? हेलो, मैं बस पास में ही जा रहा था। आप यहीं रुकिए, मैं कार पार्क करके आती हूँ। हाँ हाँ, मैं यहीं वेट करता हूँ। ओके। बकवास सीढ़ी बनाया है, हर जगह पे होल होल ही है, दिल करता इसे तोड़ ही दो। अरे सर यहाँ पे है, ये तो तपस्या कर रहे। सॉरी गलती हो गई, तपस्या भंग हो जाएगी। हाँ तू अभी सची भाई का यही इंतजार कर रही है, वो तो बाहर रोड पर घूम रहे थे। मैं बोली कार पार करके आती हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ रोड पर? हाँ कैसे हो सकता है, जब से आप बाहर गई हैं तब से सची भैया तो अंदर टॉयलेट में है, बाहर निकले ही नहीं। रजनी हम रोड पर खड़े होकर बात कर रहे थे। मैडम साहब तो ऊपर तपस्या कर रहे हैं। कौन? सची सर। हाँ ऊपर वो भयंकर तपस्या में लीन है मैडम, आप देख लो। चलो इस घर में क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा। जब मैं आया था तब सर तो यहीं पे बैठे थे। तो फिर कहाँ हैं? मैं क्या जानू कहाँ चले गए, उनको तो यहीं पे छोड़ के गया था। इधर देखो हा? बड़े साहब वहाँ नीचे बॉक्सिंग कर रहे हैं है? चलो आ जाओ। क्या चल क्या रहा है? आओ देखो। मैंने अभी उन्हें बॉक्सिंग करते देखा, अचानक कहाँ चले गए? रुको मैं देखता हूँ, यहाँ तो नहीं गए। ये सब क्या बातें कर रहे हैं? देखो बड़े भैया अभी भी टॉयलेट में। अरे कोई और गया होगा। सच्ची सर टेरेस पे थे, मैंने खुद देखा। अरे क्यों दिमाग लगा रहा है, पूछ लेते हैं ना। सच्ची सर आप सच में अंदर नहीं है ना? सब लोग एक साथ खड़े होकर यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर चल क्या रहा है? विष्णु भैया बड़े भैया मेरे सामने टॉयलेट में गए। वंदना दी बोल रही है कि रोड पर बात की, ये मोटू बोल रहा है कि टेरेस पर बैठे हैं, और ये बोल रहा है कि बॉक्सिंग कर रहे हैं, और बड़े भैया तो टॉयलेट से निकले ही नहीं। भाई कोई जादूगर है क्या, एक जगह रहकर सब जगह दिखाई दे रहे हैं। चलो देखते हैं। भैया क्या कर रहे हैं, दरवाजा खोलिए ना। क्या बात है सब लोग यहाँ? तू कितने देर से बाथरूम में था? थोड़ी देर तो हुआ। तो फिर ये बता वंदना क्यों कह रही थी कि तूने उससे रोड पे बात किया? हाँ सच है मैंने बात किया। हाँ? आप फिर टेरेस पे तपस्या करने वाला? हाँ हाँ मैं ही था। और जो बॉक्सिंग कर रहा था? हाँ वो भी मैं ही था। भैया क्या चल रहा था नीचे? अब मैं अकेले रहने के लिए घर को जेल तो नहीं बना सकता ना। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई, इतनी मेहनत करके तो हमने आपको जेल से बाहर निकलवाया है, ऐसा सब क्यों सोच रहे हो? हम सब आपके लिए बहुत परेशान हैं भैया। मैं खुद बहुत परेशान हूं, अब मैं ठीक नहीं हो सकता, मुझे ऐसे ही जीना होगा। किसी का कहा मानना ही मेरी आदत हो गई है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, चाहता हूं कि मुझे कोई कुछ कहे
24 साल पहले जैसे गया था, अब मेरे लिए दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं रही। सब कुछ बदला बदला नजर आता है। कैसे किसी से बात करना है, कैसे बर्ताव करना है, कुछ समझ ही नहीं आता। इस बात को लेकर क्या किसी ने आपसे कुछ कहा? सुनो, जेल में जो कुछ भी हुआ है वो बाहर किसी को नहीं बताना है, ये बात मुझे वेदांता ने कही है। लेकिन यहां पर तो सब वही जानना चाहते हैं। मैं आपकी बात समझ गया। आप एक काम करिए, आप भी ये सिटी छोड़ दीजिए और हमारे साथ चल के बैंगलोर सिटी में रहिए। पिताजी और भाई से मैं बात कर लूंगा। वैसे भी मैं और रजनी कल बैंगलोर वापस जाने ही वाले हैं। वहां पहुंचते ही घर का बंदोबस्त कर लूंगा और आपके लिए कोई बिजनेस भी सेट कर दूंगा। ये ठीक रहेगा ना? हम दोनों मिलकर बैंगलोर सिटी पर राज करेंगे। ओके भैया, मैंने क्या बोला था याद है ना? बैंगलोर पहुंचते ही मैं घर का इंतजाम कर दूंगा और दो दिन के अंदर अंदर सब कुछ सेट करके मैं आपको लेने आऊंगा, ठीक है ना पापा? यस, तुम जहां भी रहो हमेशा खुश रहो बेटा, मेरे लिए इतना ही काफी है। अच्छा, मैंने ये फोन खास आपके लिए लिया है, इसमें जो बात करोगे सब रिकॉर्ड होगा। ये देखिए, इसे टच करेंगे बस हो गया। बस आपको बात करनी है और कुछ भी काम करने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिंदास मुझे फोन करना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। एक बार यूज करने लगोगे तो सीख जाओगे। बाय पिताजी। बाय बेटा, संभल के जाना। वंदना दी, टेक केयर। बाय 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 भैया। बाय बाय। भाभी बाय। बाय बाय बाय। सर, आप जैसे मालिक को पाना तो बहुत मुश्किल है। आपको देखकर लोगों को सीखना चाहिए। आप जैसे अगर सब लोग हो जाए तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। देखो तुम्हारा फोन बज रहा है। हैं? फोन? हाँ 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 हाँ, एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ, क्या बात है सर? ये आपका फोन है। हाँ, मेरा फोन? हाँ हाँ, मनु ने किया है। ओह, हेलो भैया। हाँ, आप फोन उठाने में इतना टाइम लगाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। फोन मेरे लिए बज रहा है, पता ही नहीं चला। बैंगलोर पहुंच गया क्या? नहीं भैया, सिटी के बॉर्डर पर ही हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। पेट्रोल पंप पे हूँ, जरा होल्ड करना। हाँ, फुल टैंक। हाँ भैया, हम लोग पेट्रोल भरा रहे हैं। उतार मनु, ये लोग हमारा वीडियो बना रहे हैं। हे, हेलो, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? डोंट टेक अ वीडियो। मनु, क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं भैया, मैं बाद में फोन करता हूं। ए, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? स्टॉप इट। ए, रिकॉर्ड कर। मनु, क्या हुआ भैया? विष्णु, अभी मनु का फोन आया था, पेट्रोल पंप पे उसे कोई परेशान कर रहा था, थोड़ी सी बात करके फिर काट दिया। फिर जब मैंने फोन किया तो उसका फोन ऑफ आ रहा है, लग ही नहीं रहा है। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? फोन में तो ये सब होता ही रहता है, कभी चार्ज खत्म हो जाता है, फोन ऑफ हो जाता है। अरे सुनो, यहाँ यहाँ ये बात नहीं है। ये सुनो जरा। हेलो, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? डोंट टेक अ वीडियो। मनु, क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं भैया, मैं बाद में फोन करता हूँ। वंदना, जरा रजनी को फोन लगा। बेल तो बज रही थी पर किसी ने स्विच ऑफ कर दिया।
यही मुझे भी लग रहा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है, हमें खुद जाकर देखना चाहिए। कहाँ जाके ढूंढेंगे भैया? वो पेट्रोल पंप शहर से आधे घंटे की दूरी पर है बस, हमें तुरंत जाना चाहिए। चले, तुम एक काम करो, पापा को फोन करके बता दो। पापा, पापा मनु और रजनी कार से बैंगलोर के लिए निकले थे, लगता है रास्ते में उनके साथ कुछ हुआ है। डरने की कोई बात नहीं है। आइए, होश आने के बाद ही पता चलेगा कि रजनी के साथ क्या हुआ था और कौन लोग मनु को अगवा करके अपने साथ ले गए। ओह, ये इनहेलिंग डिवाइस मनु यूज करता है या रजनी? मनु यूज करता है। उसको वीजिंग की बीमारी है, जब वो मेडिसिन डाल के इनहेल करता है तभी वो सांस ले पाता है। विच मेडिसिन इज ही यूजिंग इन इट? इट्स अस्थलिन रोटोकैप्स। ओह, स्पॉट से मिला है, अटैक के टाइम शायद गिर गया होगा। हेलो, कौन है? परिकर। हाँ, कौन? सच्चिदानंद बोल रहा हूँ। सच्ची भाई? अरे गनी, सच्ची भाई। सच्ची भाई, क्या हुआ, आधी रात को फोन किया? तुम लोग कहाँ हो अभी? तुम सबकी जरूरत है। गिव मी द चार्ट। चार्ट, हार्ट रेट चेक करो। गिव मी दैट। ये किसने किया, कोई आइडिया नहीं लग रहा। मेरे को लगता है मनु के किसी दुश्मन ने किया होगा। अगर कोई उसका दुश्मन होता तो रजनी का यह हाल करके मनु को इस तरीके से उठाकर नहीं ले जाता। ऐसी बात नहीं है, मनु की जिंदगी उसके लिए कीमती है, इसीलिए उठाकर ले गया, वरना उसे खत्म कर दिया होता। ये दोनों चीजें मुझे विष्णु से मिली हैं। इस इनहेलर के बिना मनु एक दिन भी नहीं रह सकता, तो जिसने भी उसे उठाया है उसे ये चीजें खरीदनी पड़ेंगी। इस शहर में रात में कितनी मेडिकल शॉप्स खुली रहती हैं पता चल सकता है क्या? मैं अभी तुरंत पता करता हूं। मेडिकल शॉप से इस इनहेलर के साथ इस दवाई को किसने खरीदा पता करो। ये तो हो जाएगा। सचिव भाई, लाओ मुझे दो। परिकर, इसे मैं अपने ग्रुप में शेयर करता हूं, तू भी अपने ग्रुप में फैला दे, सबको काम पे लगा दे। हेलो, क्या बे इतनी रात को? सुनो मुत्तू भाई, गनी ने ग्रुप में एक फोटो डाली है। हाँ, इसे तुम भी अपने ग्रुप में शेयर कर दो। हाँ, रात में जितने मेडिकल शॉप खुलते हैं उन सब पे अपने लोगों को नजर रखने को बोलो। हाँ, फोटो में जो इनहेलर है और जो दवाई है उसको अगर कोई एक साथ खरीदता है तो उसके बारे में पता करो। क्या, पर मामला क्या है? वो मैं मिलके बताऊंगा। ओके। सच्ची भाई, टेंशन मत लो, ये सब हम पर छोड़ दो। शहर में हमारे बहुत सारे लड़के, पूरी रात भर वो सारे मेडिकल शॉप पर अपनी नजर रखेंगे। रिवॉल्वर सर है क्या बे? हाँ। एक रिवॉल्वर सर, एक एस्थेलिन रोटर कैप्स। कितना? 300।
मुत्तू का फोन है। मुत्तू भाई बोलो। हेलो सुनो, एक ही मेडिकल शॉप से दोनों चीजें एक ही आदमी खरीदा, पर मेरे आदमी के वहां पहुंचने से पहले वो घोंचू निकल गया। हाँ। सीसीटीवी कैमरे से आदमी मिला है, अभी तेरे को भेजा है। इंदिरा नगर कॉलोनी में 13 नंबर खोली में रहता है, नाम है प्रिंस। इसके फोन के वीडियो चेक करो। ये दवाई किसके लिए खरीदी थी? ये मैं अपने लिए ले रहा था। और सच बता, किधर है मनु? कौन मनु? मैं किसी मनु को नहीं जानता। सचिव भाई जरा ये देखो। सचिव भाई बस करो। सचिव भाई अगर ये मर गया तो मनु का पता कौन बताएगा भाई? अबे नल्ले, अब भी नहीं बताए तो कहीं का नहीं रहेगा, भौंकेगा या और मार खाएगा।
मनु कहाँ है? मुझे काम मिला था, मैंने बस अपना काम किया, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। अबे तेरी तो झूठ बोला टुक्कर, मनु कहाँ पर है बता? परिकर को ये ऐसे नहीं बोलेगा, ये कैसे बोलेगा मैं जानता हूँ। गनी हाँ। खान को फोन लगाओ। हेलो खान। हाँ बोल गनी। हाँ डिसूजा की बेटी अल्टीसा तो मेरे साथ ही है। अल्टीसा नहीं लिटीशा। ओ लिटीशा है भाई लिटीशा, तुम्हारे डैडी लाइन पर हैं, जरा हाय बोल दो। हाय डैडी। बेटी तुम्हें और आइसक्रीम चाहिए? एक और? इसकी लड़की भी इसके जैसी चालाक है, इसने तो कभी इसे आइसक्रीम खिलाई ही नहीं। भाई एक और आइसक्रीम देना तो। अब बता इतनी सारी आइसक्रीम का पैसा कौन देगा, जल्दी बता, बहुत देर हो गया इसके साथ, कहाँ फेंकना इसे, और 5-6 बना के रखो इसकी तो। प्लीज सर मेरी बेटी को कुछ मत करिए, मैं बताता हूँ, शेट्टी साहब के कहने पे हमने आपके भाई को मारा। बाद में आपके भाई को शेट्टी साहब को सौंप दिया, अब उन्होंने क्या किया होगा मुझे नहीं पता। ये है शेट्टी, ये है इसकी फैमिली, और ये इसकी बेटी आर्या शेट्टी। गुड मॉर्निंग सर, एक पुलिस वाला आपका इंतजार कर रहा है। ये शेट्टी अपने आप में सरकार है, सरकार हो या पुलिस हो, इसका नाम सुनते ही गुंडे भी पीछे हट जाते हैं, शेट्टी से कोई भी नहीं टकराता। यस मिस्टर ऑफिसर, आजकल ड्रग्स वालों को छोड़कर मेरा पीछा कर रहे हो, इसका कारण भी तो आप ही हैं। क्यों झूठ बोल रहा हूं? डीजीपी प्रताप के रिलेटिव लड़के और लड़की पर आपने कल अटैक करवाया, उसके बाद उसे किडनैप कर लिया, इन सब के पीछे आपका ही हाथ है, मेरी इन्फॉर्मेशन पक्की है। फिर जिसने भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है उसी से पूछो वो कहाँ है और जाकर उसकी जान बचाओ, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? शेट्टी के साथ मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है सचिव भाई। वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट से अगर आपको कोई टिप देता है तो हर पुलिस वाले को आपने नौकर समझ लिया है, किस चीज की गर्मी है आपको पता है मुझे। मेरे आदमी तुम्हारे बीच में भी है वेदांता, इसलिए ये गर्मी मुझे मत दिखाना। मिस्टर वेदांता, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट भी कोशिश करे तो भी वो लड़का नहीं मिलने वाला है। हमें एडविन मोजेस की मदद लेनी पड़ेगी भाई। कोई उसका दुश्मन होता उसे उठाकर नहीं ले जाता, खत्म कर दिया होता। अब अपने डीजीपी को बोल दो कि उसे भूल ही जाए। मुझे इसके लिए किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अपने भाई को बचा सकता हूं, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं उसे उठा लें तो। आर्या शेट्टी, काम का नहीं है। हाँ करेक्ट। हाउ मच? 125 रुपीज सर। इस कपूर के डिब्बे का इतना महंगा काय के लिए? संभाल के रखना उड़ जाएगा। सॉरी हाँ। इट्स ओके। अरे बाप रे, सॉरी सॉरी हाँ, पुतले के माफिक खड़े हैं। डैडी कैसे कैसे बॉडीगार्ड्स रख दिए हैं आपने? इडियट्स, मॉल में वॉचेस चुरा के मेरा नाम खराब कर दिया। हाँ ये किसका फोन है? ये फोन तो मेरा नहीं है। हेलो मैम साहब, डिसूजा बोल रहा हूँ,
मैं फोन कर रहा हूँ, शेट्टी साहब फोन नहीं उठा रहे। अगर आप उनके पास है तो उनसे बात करा दो ना प्लीज। डैडी, डिसूजा हियर। हेलो सर, प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है इसलिए आपको फोन करना पड़ा। आर्या मैडम को मुझे लगता है किसी सेफ जगह पे छुपाना पड़ेगा। पता चला है कि वो लोग फील्डिंग कर रहे हैं। डिसूजा, तू अभी मेरे पास आ जा और अपने लोगों को लाना। ओके सर। क्या हुआ डैडी? कुछ नहीं बेटी, तुम्हें कहीं जाना है, तैयार हो जाओ। हेलो सर। हेलो मैडम। तुम डोंट वरी, मैंने आपके बैग में फोन डाला था डिसूजा के कहने पे। आ बेटा लाओ। डिसूजा, कार को तू ही ड्राइव करेगा। ओके सर। मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है। जीप में तुम्हारे साथ एक ही आदमी होना चाहिए। सीधा एयरपोर्ट जाओ। ठीक है, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। एयरपोर्ट पहुंचते ही फोन करना। ओके, जाओ। ए चलो डैडी। ओके बेटा, ये लोग सब संभाल लेंगे। यू विल बी सेफ। डरने की कोई बात नहीं है। हैप्पी जर्नी। थैंक यू डैडी, बाय, सी यू। आर्या शेट्टी का फोन। अरे डिसूजा, गाड़ी वापस घर पे लो, मेरा फोन नहीं दिख रहा। फोन तो शेट्टी साहब ने निकाल लिया मैम साहब, वो लोग ट्रैक कर सकते हैं ना। ओ अरे शेट्टी, तुझे कब का बोला था कि फोन ऑफ कर, ऑफ कर। मुत्तु भाई, हाँ। इसे भी बांध के रखो। हाँ। मैं जब तक नहीं बोलूंगा छोड़ना नहीं। तो शेट्टी का बेटी कहाँ? बाहर परिकर और गनी उसके साथ में। शाबाश, अब शेट्टी हमारे रास्ते पे आ जाएगा। तुमने जैसा कहा मैंने कर दिया ना, अब मेरे बेटे को छोड़ दो। अपने जैसा समझ के रखे लाए क्या? कब की घर पहुंच गई है? मम्मी, मेरा बच्चा। अब मेरा सिंगापुर जाने का कोई मन नहीं। ऐसा? मेरा फ्रेंड्स के साथ ट्रेन में, बस में, ऑटो में घूमने का दिल कर रहा है। ये फ्रेंड बोले तो बॉयफ्रेंड ना? बॉयफ्रेंड्स की जरूरत नहीं है। हाँ। मुझे लड़कों में दिलचस्पी ही नहीं है। अपन भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। बॉयज में एकदम दिलचस्पी नहीं है। हाँ। हाँ, अगर गर्ल्स रहेगी तो चल जाएगी। अरे गाड़ी में बैठो, बिग ब्रदर आ रहा है। हेलो मिम साहब। हाँ? मैं हूँ खान। यस। डिसूजा की जगह पे शेट्टी साहब ने मुझे रखा है। ओह थैंक यू। बैठिए। ओके। हेलो शेट्टी साहब। अबे इसकी तो जरा संभाल के। अरे कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैडम आप डरिए मत, वो रेसिंग करना चाहते हैं।
डैडी से बात करनी है। अल्लाह। शेट्टी साहब को फोन लगा ना। अभी जल्दी तेरा फोन ला। अबे जल्दी कुछ करना तेरी तो। अबे दो मिनट रुक, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ लगा। शेट्टी साहब, शेट्टी साहब मेम साहब बात करना चाहती हैं। हेलो डैडी, इनका बिग ब्रो तो ना सुपर्ब है। एक पजेरो में इतने सारे लोग मुझे किडनैप करने आए थे, बट ही फेस देम ऑल अलोन। डैडी अब मैं सिंगापुर नहीं जाऊंगी, मैंने इन लोगों से बात कर ली है। मेरे पसंद की जगह जाने के लिए ये सब लोग तैयार हो गए हैं। प्लीज डैडी प्लीज। ओके बेटा, ये लोग सब संभाल लेंगे, यू विल बी सेफ। डरने की कोई बात नहीं, हैप्पी जर्नी। थैंक यू डैडी, लव यू। लव यू टू। क्या बात है। अब मैं सिंगापुर नहीं जाऊंगी, जहाँ मेरा दिल करे वहाँ लेके चलो, डैडी ने बोला। हाँ? ऐसा बोले क्या? हाँ तो हाँ। आर्या शेट्टी पे तू शक करता है? जो शेट्टी साहब ने बोला वही ये बता रही है, जितना बोला है उतना कर। ओके है? है? ऐसी बात है तो ठीक है, चलिए बैठिए। सुनो ना, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर। यस। ब्लडी चीट। शेट्टी साहब मुंह बंद रख अपना। मेरी बेटी को इनके हाथों में सौंप देने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुंह दिखाने की? इन लोगों ने मेरे बेटी को किडनैप कर लिया था, अब आप ही बताओ मैं क्या करता। ये भी उनके साथ है, आखिर कौन है ये? साहब मैं सबका बंदा हूँ, इसीलिए मीडिएटर बनाकर आपके पास भेजा है। शट अप। इडियट। मुझे तुझ जैसे मीडिएटर की जरूरत नहीं है भिखारी, मुझे अपनी बेटी को कैसे बचाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे मत सिखाओ। नहीं साहब, नेवर, डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। हाँ, और ये उसने ये भेजा है साहब को दिखाने के लिए। हाय डैडी, मैं इन लोगों के साथ बहुत खुश हूँ। आपने जो इनका बिग ब्रो भेजा है ना, ही इज हाईली स्किल्ड एंड ट्रेन। जो लोग मुझे किडनैप करने के लिए आए थे ना, उनको इन्होंने अकेले ही मार गिराया, कोई भी मुझे छू तक नहीं पाया। थैंक यू डैडी, आपकी वजह से मैं अपनी फेवरेट जगह घूम रही हूँ। थैंक यू सो मच। कितना अच्छा है ना, इट्स ब्यूटीफुल।
ओए बेटी को देख, सेफ है। और इसकी हालत चलिए शेट्टी साहब आपको लेने के लिए आए हैं। परिकर सेफ से पहुंच गया ना? ऑल सेफ। सचिव भाई मनु को लेकर के हॉस्पिटल गए। वेलकम। ओके बाय बाय। के लिए छोड़ देना चाहिए। शेट्टी की बेटी यहां क्या करने आ रही है? यार ये बुके लेकर के यहाँ क्या करने आई? पता नहीं, इसको कोई काम है। यहाँ क्या काम है? बोल रही थी रजनी से मिलना चाहती है। अब रजनी से क्या काम पड़ गया उसको? अब सच्ची भाई को इसका नाम याद तो है ना? नाम क्या याद दिला रहे? आ रही तो है। अरे आर्या शेट्टी उनके करीब रहना चाहती है। अरे तू इन सब में क्यों कूद रहा है? मैं कहाँ कूदा? मतलब वो तो आर्या शेट्टी। अरे मेरे साथ नहीं, सच्ची भाई के साथ। हेलो हेलो, आओ, ये आर्या शेट्टी है, सच्ची भाई की फ्रेंड है। ओ हेलो आर्या शेट्टी, सच्ची भाई की फ्रेंड है आर्या शेट्टी। वो आर्या शेट्टी रजनी से एक बार मिलना चाहती है। हाँ जाओ मिल लो। आओ आर्या शेट्टी। आ रहा हूँ ना। हेलो हाय, मैं आर्या शेट्टी हूँ।
डैडी की तरफ से माफी मांगने आई हूँ। माफी मांगने आई है या तू या तेरे बाप ने ये देखने के लिए भेजा है कि हम लोग जिंदा है या मर गए। मेरे इस भाई की वजह से तू जिंदा खड़ी है, वरना यही इसके बगल में तू पड़ी होती। तेरे बाप के कहने पर उन गुंडों ने हम दोनों की ये हालत कर दी है, तेरी भी यही हालत होनी चाहिए। हिम्मत कैसे हुई तेरी यहाँ आने की? जितना रोना है रो, ये जो तेरे आंसू है ना ये तेरे बाप के बुरे कर्मों की सजा है। तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मेरे हाथों मरोगे। Enough! ये एक हॉस्पिटल है, behave yourself. I'm sorry. सर, शेट्टी की बेटी को अगवा करने वाला आदमी मैं हूं, आप मुझे पकड़ लीजिए। अब मुझे किसे पकड़ना है ये तू मुझे सिखाएगा? चल हाँ यहां से। वेदांता, इन्हें कस्टडी में लेने के लिए शेट्टी ने तुमसे कोई शिकायत की है क्या? नो सर। फिर इतनी गर्मी किस लिए? सर वो आप भी जानते हैं, इन सब के पीछे ड्रग माफिया का हाथ है। इन तीनों लोगों का एडविन मोजेस के साथ कनेक्शन है। बस इतना ही नहीं सर, आपके सनी लॉ का ब्रदर मनु भी इनके धंधे में इन्वॉल्व्ड है। इसी वजह से शेट्टी ने मनु को अगवा किया, उसके जरिए वो एडविन मोजेस तक पहुंचना चाहता है। एडविन मोजेस को पकड़ने का काम हमारा है, शेट्टी का तो नहीं है ना? इन लोगों के खिलाफ किसी ने कंप्लेंट नहीं की, इसलिए जमानत दे रहा हूं। आप लोग चलिए, आइए। रुक जा, शेट्टी और उसकी बेटी को अगर कुछ हुआ भी ना तो कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा। डोंट माइंड इट। पता है बाहर की दुनिया से ज्यादा मैं अंदर की दुनिया जीकर आया हूं, इसलिए डराने की कोशिश मत करना। इससे स्कूल के बच्चे डरते होंगे सर, डोंट माइंड इट। मुझे सिर्फ रजनी से मिलना है। वो तुमसे नहीं मिलेगी मनु, तुम जाओ। उससे मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा। मनु, अभी तक जो हुआ सो हुआ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसे अब कोई प्रॉब्लम हो। मेरे मोबाइल से वेदांता को फोन लगाओ। इसका तो फोन स्विच ऑफ है। हेलो। हेलो, आर्या बोल रही हूँ। अब पे हमला हुआ है, किसी ने डैडी को शूट कर दिया है। हमने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। प्लीज कम फास्ट। पहले रोना बंद करो और चुपचाप किसी सेफ जगह पर चली जाओ, और उसके बाद पावर ऑफ कर देना। ओके। परिकर, शेट्टी के घर पर किसी ने हमला कर दिया। मुझे लगता है मनु भी हमला करने वालों के साथ ही है, हमें चल के उसे रोकना होगा। अरे सुनो, जल्दी करो, मनु ने शेट्टी के घर पे जाकर हमला कर दिया। ये शेट्टी अपन का पीछा नहीं छोड़ने वाला।
उठा बैठी डैडी। डैडी लाइट जला दो। इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। ओके ओके। पुलिस के आने के पहले तू आ गया। सबूत मिटा के हीरो बनने का बहुत फितूर चढ़ा है तुझे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? यू शराब इडियट, मैं तो कान के नीचे दूंगा। किस लिए कान के नीचे दोगे? पुलिस का काम होता है हमारी सेफ्टी का, पर पुलिस ने तो फोन ही नहीं उठाया। डैडी ने बोला उनके मोबाइल में वेदांता का नंबर है, उसे फोन लगाओ। आपका फोन स्विच्ड ऑफ था। सॉरी आर्या, आज मेरे फोन की बैटरी ऑफ हो गई थी। ओके अच्छा सुनिए आप लोग, स्टेशन में जितने लोग भी ड्यूटी पर हैं, कल सभी लोगों को बोलो कि मुझसे आकर मिले। दैट्स माय ऑर्डर, गॉट इट? सर। सच्ची थैंक यू सो मच। तुम लोगों के साथ कौन कौन आया था? हम अकेले थे सर, कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता। जितने लोगों को बुलाया गया सब लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं। झूठ मत बोल। परिकर छोड़ दो उसे, इसे कुछ मत करना। तो इसे पुलिस को दे देते? नहीं, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि मनु भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। पुलिस वाले तंग करेंगे। वो मनु के ऊपर शक कर रहा था। रात को ही यहाँ आ धमका मनु को देखने के लिए। देख लिया कि मनु अंदर सोया हुआ था। उसे भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन देख के चला गया। हेलो। हेलो सची, मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हॉस्पिटल में आ सकते हो क्या अभी? मैं हॉस्पिटल में इंतजार करूंगी। हॉस्पिटल किस लिए आना है? फोन पर बता दो। मैं फोन पे नहीं बताऊंगी, सामने ही बताऊंगी। 4 o'clock हॉस्पिटल के कैंटीन में मिलते हैं। ओके, शार्प 4 o'clock आना। बाय। एक आर्या शेट्टी सच्ची भाई के साथ जो रिश्ता निभा रही है उसे कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। प्यार की बीमारी? अपन को पता क्यों नहीं चला? क्या मतलब? यही प्यार,
ये स्टॉक ऑफ सेंड्रम तब होता है जब हॉस्टेज को अपने किडनैपर से प्यार हो जाता है। मुझे तो लगता है वो बदल चुकी है। बदल चुकी है ना? ओके बस कर यार। सचिव भाई इसे काटना होगा। मतलब? ग्रुप से काटना होगा। अरे काटना है या जोड़ना है ये सचिव भाई फैसला करेंगे। सचिव भाई जानते हैं एक लड़की का दिल तोड़ना बहुत बड़ा पाप होता है। तू इनकी जिंदगी क्यों उजाड़ना चाहता है? अरे उजाड़ तो तू रहा है। सही उम्र में लड़की नहीं मिली इसका मतलब समझता है? सचिव भाई आज जो आर्या शेट्टी आ रही है ना प्यार की बात करने के लिए, इस कुर्सी पे बैठेगी और आंखों में देखते हुए अपने दिल की बात आपको बताएगी। तब आपको भी उसकी आंखों में देख के बोलना है आई लव यू। मुझसे सब नहीं होने वाला। गूंचू कहीं का। करेक्ट है सची भाई एकदम सही जा रहे हैं। ओ मतलब कोई फायदा नहीं है। सची भाई वो लड़की आ रही है। सचिव भाई सुनो आर्य शेट्टी यहीं आकर बैठेगी संभाल लेना। सचिव भाई चल, चल, चल। उसकी आंखों में देख के बोलना। मुझसे नहीं होगा बताया ना। ओह चल चल एक बार कोशिश तो करके देखो। तब तेरे की लगता है कुछ नहीं होने वाला। तुम भी डरते हो क्या? हाँ, ए, उन लोगों ने तो बोला था यहाँ आकर बैठोगी। कौन मैं? नहीं नहीं मैं वहाँ क्यों बैठ गए? हाँ मुझे ऐसे लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हें अगवा किया था ताकि अपने छोटे भाई को बचा सकूं। इसके बाद अगर तुम्हें कुछ हुआ तो इसका इल्जाम मनु पर ही लगेगा। सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें बचाने आया। मैं भी तुमसे मनु के बारे में कुछ बात करने आई हूँ। वेदांता भी आज सुबह मुझसे मिलने आया था, मनु के बारे में पूछ रहा था। उसे लगता है हमला करने वालों में मनु का हाथ हो सकता है। ये सच है लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन वेदांता को मुझ पर शक हो चुका है। मनु का ये फोन मुझे मेरे घर पर ही मिला। मैं जानती हूँ सच्ची अपने भाई से बहुत प्यार करता है और इसीलिए मैं ये फोन वेदांता के हाथ में नहीं दे पाई। बाय। क्या हुआ सच्ची भाई? हाँ भैया मैं तो वॉशरूम के अंदर था, आप कब आए पता ही नहीं चला। सुबह सुबह मैं सबके सामने तुमसे पूछना नहीं चाह रहा था। रात को तुम कहाँ गए थे? तुम कमरे में तो नहीं थे, मैंने खुद जाकर देखा था। पुलिस जब तुम्हें ढूंढते हुए आई उसके पहले तुम आ गए थे। रात को कहाँ गए थे बताओ। उससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप उस शेट्टी की बेटी को बचाने में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? आखिर बात क्या है? उसे नहीं तुम्हें बचाने के लिए वहां गया था। क्या मुझे? आपके कहने का मतलब इन सब की वजह मैं हूं? तुम्हारा ये फोन मुझे उसके घर पे मिला। हेलो 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 एनीवन हियर? हेलो सच्ची, हॉस्पिटल में हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए पुलिस वाले दिख नहीं रहे हैं। डॉक्टर नर्स सबके सब गायब हैं। लगता है कोई जानबूझ के ये सब कर रहा है। रुको मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ भैया? हाँ हे सच्ची भाई उठाओ।
बोलिए सच्ची भाई, कहाँ हो तुम लोग? हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, जल्दी पहुँचना होगा। मनु वो यहीं पर है। मनु तो घर पर ही है, तो वहाँ पुलिस संभाल लेगी, हम लोग जाकर क्या करेंगे सच्ची भाई? तुम लोग बात को समझते क्यों नहीं हो? तुम लोग मत आओ, मैं अकेले चला जाऊंगा। अरे सच्ची भाई आप पहुंचो, हम भी पहुंच रहे हैं। हाँ क्या हो गया भैया? शेट्टी की बेटी को बचाने के लिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा। देखो अगर उसे कुछ भी हो गया तो पुलिस सारा इल्जाम तुम्हारे सर पर डाल देगी, चलो। नहीं भैया, जिन लोगों की वजह से हम दोनों हॉस्पिटल में पहुंच गए आप उन्हें बचाना चाहते हो? पुलिस के बारे में तुम मुझसे ज्यादा नहीं जानते, चलो। भैया जो कुछ भी हो मैं सब संभाल लूंगा, पर मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आपको पता नहीं उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। हटो भैया, चलो छोड़िए। नहीं भैया, नहीं भैया मैं नहीं जाने दूंगा आपको। भैया नहीं भैया, जिन लोगों ने आपको जेल से निकाला उन्हें छोड़कर जिन लोगों ने हमें मारा आप उनका साथ देना चाहते हो? नहीं सच्ची भैया, रुकिए भैया, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। भैया आप ये बहुत गलत कर रहे हैं भैया। भैया इसे तुम कमरे में दरवाजा खोलिए, भैया दरवाजा खोलिए, आप समझ क्यों नहीं रहे भैया? दरवाजा खोलिए। तुम भूल रहे हो कि इसी ने तुम्हें छुड़वाया है। लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इन्हें जेल में ही सड़ने देना चाहिए था, वही इनकी असली जगह है। सॉरी विष्णु। हाँ हाँ भैया। जब तक मैं वापस ना आऊं ये घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके गाइस लिसन केयरफुली, यू गाइस हैव टू मेक इट रियली फास्ट, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। गाइस कहाँ हो तुम लोग, जल्दी आओ। हेलो कहाँ हो? हम पहुंच चुके। कुछ लोग आईसीयू के सामने हैं, जल्दी आओ। Abort the mission. निकलो यहां से जल्दी। वो लोग हमें पकड़ ले, उससे पहले निकल जाओ यहां से क्विक। वो लोग उस तरफ जा रहे हैं। I'm really sorry. I just slept. कोई प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर आपका नाम क्या है? पवन, डॉक्टर पवन कुमार। क्या डॉक्टर साहब ड्यूटी के टाइम पे यहां सो रहे हो? अपना नाम बदल लो, स्लीपोलॉजिस्ट। हेलो सर जी, जल्दी से यहाँ आ सकते हो क्या? हाँ, इस डॉक्टर को कहीं जाने मत देना, कोई भी बहाना करे छोड़ना मत। लिसन गाइज लिसन, मैं तो स्टॉप। ड्यूटी रूम में कोई नहीं है और इंटरकॉम डिस्कनेक्टेड है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। Thank you.
देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कल रात से काम कर रहा हूँ, I'm very tired, इसलिए मेरी आँख लग गई, I'm sorry. हम भी तो वही कह रहे हैं, चुपचाप सो जाओ, भाई को आने दो. भगवान के लिए रिपोर्ट मत करना वरना मेरी नौकरी चली जाएगी. प्लीज आई रिक्वेस्ट यू. डॉक्टर व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर एक्चुअली मैं ड्यूटी पर सो गया था, उस वक्त किसी ने शेट्टी साहब को आईसीयू में आकर मारने की कोशिश की थी और ये लोग मुझे पकड़ रहे हैं. सर तुम लोग कौन हो? पुलिस को पकड़ने के लिए जेल से निकले हुए कैदी. डॉक्टर आप जाइए ड्यूटी कीजिए. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. और तुम तीनों चलो मेरे साथ. तीनों पर काय के लिए? हाँ चल. शेट्टी पे जब जब हमला होता है वहां तू और तेरे ये क्रिमिनल फ्रेंड्स कैसे पहुंच जाते हैं? तुम लोगों को पहले कैसे पता चल जाता? सर इनको यहां मैंने बुलाया है. ड्यूटी पर लगे इतने सारे पुलिस वाले कहां चले गए थे? कौन कौन था उस समय ड्यूटी पर, कहां चले गए थे? वीआईपी की ड्यूटी में आदमी कम पड़ गए थे इसलिए वहां भेजना पड़ा. हमें लगा यहां क्या हो सकता है. इडियट फूल्स, यहां कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती तो फिर क्या जवाब देते? सॉरी सर. शट अप, अगर ये हरकत दोबारा की तो ड्यूटी से सस्पेंड कर दूंगा. उस आदमी का क्या किया? कौन? वो डॉक्टर? सच्ची भाई आपने बोला था छोड़ना मत, हमने तो वही किया लेकिन वो बेताल छुड़ा के लेके गया. बेताल नहीं, वेदांता. उस वेदांता ने डॉक्टर पे विश्वास कर लिया. वो डॉक्टर हो ही नहीं सकता. एक्सक्यूज मी. यस. डॉक्टर पवन कुमार अभी ड्यूटी पर हैं क्या? नहीं, डॉक्टर पवन कुमार डे ड्यूटी पे नहीं नाइट ड्यूटी पे रहते हैं. डॉक्टर का सर्विस रिकॉर्ड दिखा सकती हैं? ये तो हॉस्पिटल रूल्स के खिलाफ है सर. हेलो, वेदांत आईपीएस क्राइम एंड नार्कोटिक सेल के स्पेशल ऑफिसर है. सॉरी, दिखाओ दिखाओ. कांस्टेबल्स कम फास्ट. हम लोग कांस्टेबल. थैंक यू. ओके. गाड़ी साइड में रोकना, मुझे यहीं उतरना है. भैया, भैया. हाँ. चल माफी मांग इनसे. भैया आई एम रियली सॉरी. मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल गया. मरने से पहले माँ ने रोते हुए हम दोनों को आपके बारे में बोला था कि याद रखना बच्चों, जब भी भैया जेल से छूट के आएंगे तो उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना होने पाए, और इसीलिए इसने आपको बाहर निकालने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन आज आपका दिल दुखाई दिया. उस दिन रात को मैं रजनी से मिलने उसके घर गया था. उसके घर वाले मुझे उससे मिलने नहीं देते इसीलिए किसी को भी ना बताया रात को मिलने जाता हूं, लेकिन शेट्टी और उसकी बेटी को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है. हम जिस लड़की से प्यार करते हैं उससे आधी रात को मिलने जाना ठीक नहीं. सबको बताकर तुम दिन में उससे मिलने जाओ. पप्पू दरवाजा खोलो. रजनी तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती, तुम्हें बताया था ना. कौन है बेटी? मैं 16 साल की उम्र में दो लोगों को मारकर जेल की सजा काट चुका हूं, दो बार उम्र कैद हो चुकी है, इससे ज्यादा जानना चाहेंगे? जाओ. आओ. हाँ. मुझे हॉस्पिटल में एक आदमी ने धमकी दी थी कि आज के बाद मनु के साथ तुम्हारी लड़की दिखनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं जल्दी से डिस्चार्ज करके ले आया. बाद में वो आदमी हमारे घर भी आया था, बोला अगर मनु यहाँ आया तो वो रजनी के साथ सारे घर को मार देगा. भैया मेरा फोन उसके घर कैसे पहुंचा मैं आप समझ गया. ये देखिए.
उस दिन रजनी के फोन से पप्पू मेरा वीडियो बना रहा था। ये देखो, हाँ भैया, जेल से छूटने के बाद आज पहली बार अच्छा काम किया है। मनु से सब नाराज थे ना, आज मैंने सबको अच्छी तरह समझा दिया। मनु का फोन शेट्टी के घर कैसे पहुंचा, अब मैं समझ गया हूँ। ओह, रजनी और मनु तो खुश है ना, क्या लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो लोग इधर बाहर ही हैं, सब बहुत खुश लग रहे। डॉक्टर, गाड़ी का चाबी निकालो और चुपचाप पीछे बैठ जाओ। अबे चाबी निकाल, डॉक्टर बोल रहा हूँ ना, चुपचाप अंदर बैठ जा। अबे चाबी दे बोला ना। ए, चाबी इधर लो, बिठाओ रे इसको अंदर। विष्णु, चुपचाप अंदर बैठ जा। क्या चल रहा है वहाँ? सुअर कहीं के, चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। ला, गेट खोल, चल बैठ। फालतू का टाइम पास। सुअर कहीं के, दीदी कम ऑन, अब बस आप ही कुछ कर सकती हैं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए दीदी प्लीज। गोविंद राज चेन्नई का रहने वाला है, ये मेरे साथ जेल में ही था, अभी अभी छूटा है। अभी शहर में कहां पर है इसका पता आपको लगाना होगा, ढूंढ तो लेंगे ना। इसको क्या, इसके बाप को भी ढूंढ के निकालेगा, डोंट वरी। डॉक्टर, अपने वाइफ से वीडियो कॉल में बात कर, बात कर। बात कर बे। अरे विष्णु, कौन है ये लोग? बात करना, बेचारी पूछ रही है हम लोग कौन है। जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर, तभी ये बचेगा। वंदना, देखो तुम मेरी चिंता मत करना, फोन कट करो, कोई बात नहीं। मजाक चल रहा है क्या? Stop it! क्या करना है बताओ, मैं करूंगी। मैं जो बोलूंगा वो नहीं करना है, मेरा बॉस बोलेगा वो करना है, अब वो वीडियो कॉल करेगा। ध्यान से सुनना वो क्या कह रहा है। हेलो डॉक्टर, क्या करना है जल्दी बताओ मुझे। बताता हूँ, लेकिन पहले फोन कट किए बिना स्टैंड पे रखो। हाँ, हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटना नहीं चाहिए। हाँ। और ये कॉल भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ। और अगर ऐसा हुआ तो तुम जानती हो कि तुम्हारे पति के साथ क्या हो सकता है। गाड़ी घुमाओ और वापस हॉस्पिटल जाओ। हाँ, ओके। जाओ,
डॉक्टर अब हॉस्पिटल के अंदर जाओ और आईसीयू पहुंचने तक किसी से बात मत करना। आईसीयू के अंदर जाने के बाद तुम सबको बाहर भेज दोगी। गो गेट द स्कैन रिपोर्ट्स। I'll stay here. You just go. Good. Doctor. अब कैमरा के सामने से हिलना मत। I want to see you take the syringe और उसे पूरा sedative से भर दो। अब जाओ और ये सेडेटिव पेशेंट में इंजेक्ट कर दो। जब तक इसकी हार्ट और पल्स रेट बंद ना हो तुम यहां से हिलोगी नहीं डॉक्टर। यू विल हैव टू स्टे ऑन। जिसने तुझे भेजा वो एडविन मोजेस कहां पर है बता दे। एडविन मोजेस का मैं सिर्फ नाम जानता हूं। वो कौन है किधर है उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मेरे दोस्त ने उससे मदद मांगी इसलिए मैं बाहर निकल पाया। उसने मेरी मदद की है ना इसलिए मैं भी उसकी मदद कर रहा हूं। मुझे जेल से छुड़ाने के लिए तुम लोगों ने किसी से सहायता मांगी थी क्या? क्योंकि जब से मैं जेल से छूटा हूं तब से ही ये सब कुछ चल रहा है इसीलिए मैं सब कुछ पूछ रहा हूं। मुझे छुड़ाने के लिए तुम किस किस से मिले? मैं तो बहुत लोगों से मिला हूं लेकिन कोई भी काम में नहीं आया। एक दिन एक शख्स ने मुझे किसी का नंबर आके दिया। उसने बोला इस नंबर पर बात कर लो काम हो जाएगा उसके बाद ही आप रिलीज हो पाए। उसके बदले तुम्हें क्या करने को कहा? पुलिस हेडक्वार्टर्स की दीवार पे कुछ लिखने को कहा था। हेल इज एम्प्टी ओल्ड डेविल्स के ऊपर शेक्सपियर की कोई कहावत है मैं बस इतना ही जानता हूं। मनु तुम्हारे पास उसका नंबर तो होगा? हाँ ये रहा नंबर। अरे ये नंबर तो मुत्तू का है तो इसके पीछे इसका हाथ है? नहीं एडविन मोजेस। एडविन मोजेस कौन है मुत्तू बताएगा। सच्ची व्हाट अ सरप्राइज। मुझे शेट्टी साहब से मिलना है मिलने की इजाजत चाहिए। इसमें मेरी इजाजत क्यों चाहिए? जब चाहो चले आओ। सच्ची तुम कब आने वाले हो? इवनिंग में। ओके इवनिंग में मिलते हैं। ओके सच्ची भाई आर्या शेट्टी से आज आप मिलने जाएंगे? आर्या शेट्टी से नहीं शेट्टी साहब से। ओ बात तो ये की है ना? नहीं जब करना
मैं तो सेटिंग करा रहा था। बैठिए। आप किस लिए मुझसे मिलना चाहते थे? आखिर कौन है ये एडविन मोसेस? आपको मारने के लिए क्यों तुला है? एडविन मोसेस और मेरे बीच की दुश्मनी मेरे इकलौते बेटे की वजह से शुरू हुई। बेटी, मेरा बेटा डॉक्टर अरुण शेट्टी ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ता था, इसलिए अपने आप ही वो एडविन मोसेस का दुश्मन बन गया और उसके हाथों मारा गया। और उसके जाने के बाद एडविन मोसेस की तबाही मेरा लक्ष्य था। वेदांता आईपीएस के साथ मिलकर मैंने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया, पर वो कभी हाथ नहीं लगा। लेकिन एक दिन उसका करोड़ों रुपयों का ड्रग से भरा कंटेनर मेरे हाथ लग गया। मुझे मालूम था कि उसे ढूंढता हुआ एक न एक दिन वो जरूर आएगा। लेकिन जानते हो मेरे प्लान को किसने बिगाड़ा? आपके छोटे भाई ने। कमिश्नर ऑफिस के दीवार पर उसने उनके लिए बकवास लिखी, ये बात मुझे मेरे लोगों ने बताई। मुझे लगा उसके पास मोसेस की इन्फॉर्मेशन है, उसे उठाने से शायद मुझे कोई टिप मिल जाए, इसलिए मैंने उसका किडनैप करवा लिया। मेरा प्लान था कि एडविन मोसेस से बार्गेनिंग करूंगा, पर आपने मेरा प्लान चौपट कर दिया। उससे कहो कि वो अपने छोटे भाई को यहाँ से लेकर जाए, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। बात सिर्फ लड़के को वापस करने की नहीं है साहब। तो फिर? कुछ दिन पहले एडविन मोसेस का जो ड्रग कंटेनर तुमने छीना उसको भी वापस करो। उसके कहने के बाद बिना सोचे वो कंटेनर मन्नू के साथ मुत्तू के पास भेजना पड़ा। मुत्तू उनसे मिला हुआ था सिर्फ इसकी वजह से। एडविन मोसेस को पकड़ने का मेरा आखिरी मौका भी मेरे हाथ से चला गया। मैंने वेदांता को सब कुछ बता दिया और उसने मुत्तू के ठिकाने पर रेड मारी, पर बोला कि थोड़ा सा ही ड्रग्स मिला और कंटेनर उसे वहां नहीं मिला। पुलिस भी कंटेनर ढूंढ रही है। वेदांता अब भी आप पर शक कर रहा है, संभल के रहिएगा। एडविन मोसेस का नाम लेकर कहता है आप और आपके दोस्त मुत्तू के साथ ये खेल खेल रहे थे और अब मेरे पास वो कंटेनर नहीं है। ये बात जानने के बाद एडविन मोसेस मुझे मारना चाहता है और वो भी आपकी सहायता लेकर। आपको धमकी दिया, आपके ऊपर दबाव बनाया गया कि कैसे भी प्रेशर में आकर आप वो कंटेनर बाहर निकालें। अब आपके पीछे सिर्फ एडविन मोसेस ही नहीं है, वेदांता भी है। उन्हें टिप कौन देता है? आपके साथ रहने वाले आपके लोग। उन्हें मालूम होए बिना ये काम हो ही नहीं सकता है। बिजनेस में मेरे पिताजी ने एक काम की सीख दी थी, आंख मूंद कर किसी पे भरोसा मत करो। बड़े से बड़े कारोबारी का अंत उसके खास आदमी के गद्दारी के कारण ही होता है। दुआ करो, दुश्मनों से तो आप संभल सकते हो लेकिन दोस्तों के वार से भगवान ही आपको बचा सकता है। अब सच्चिदानंद को कुछ ना हो मैं अपने भगवान से प्रार्थना करूंगा। मेरा दिल कहता है कि भगवान मेरी बात सुन लेंगे। अरे सच्ची भाई, सच्ची भाई आप यहां क्या कर रहे हैं? भाई आप ऊपर क्यों नहीं आए? किसका फोन था? अरे कुछ नहीं, वो मार्केटिंग वालों का था। ला मुझे दिखा। क्या सच्ची भाई आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है, चल दिखा ला। मैं नहीं दिखाऊंगा। बोल रहा हूं दिखा। सच्ची भाई दिखा। सच्ची भाई सच्ची भाई। भाई आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं? हमने आज तक कुछ छुपाया क्या आपसे? चुप कर तो। अरे कर चल। विष्णु और मनु से कहीं ज्यादा मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया।
और तुम लोगों ने एडविन मोजेस के साथ मिलकर पीछे से वार किया। सच्ची भाई, मैंने इनके पैर पकड़े थे कि प्लीज ऐसा मत करो। सच्ची भाई को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? तब ये दोनों बोलने लगे कि थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो हम सच्ची भाई को समझा लेंगे। अब पीछे से वार किया सुन के दिल को चैन मिल गया क्या? अब समझा लो। पहले हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था सच्ची भाई। आर्या शेट्टी को छुड़ाने से कुछ दिन पहले ही मुत्तू ने हम सबसे ये बोला। मुन्नू के साथ साथ शेट्टी से यह डील हुई थी कि एडविन मोजेस का ड्रग्स एक कंटेनर में भर के शेट्टी वापस कर देगा। हम लालच में आ गए थे सच्ची भाई। मुत्तू ने हमें धोखा दे दिया, कंटेनर कहीं और छुपा दिया। इस बीच जब उनकी डील हो रही थी तब वो एडविन मोजेस के पास पहुंच नहीं पाया और मुत्तू को पुलिस ने गोली मार दी। उसके बाद कंटेनर के लिए एडविन मोजेस हमारा पीछा कर रहा है। अब उसी कंटेनर के लिए वो बार बार हमें फोन कर रहा है। जब मुत्तू जिंदा था भाई, एडविन मोजेस के साथ तब भी हमारा कोई रिश्ता नहीं था। अब तो मुत्तू भी मर गया। ये सच बोल रहा है सच्ची भाई, मुत्तू के मरने के बाद वो हमें लगातार फोन कर रहा है। सच्ची भाई, हम परेशान हो गए उससे। हमने कभी भी आपको धोखा नहीं दिया भाई, हम सच में आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं। सच्ची भाई, आपने उस दिन बोला था एडविन मोजेस के चक्कर में मत पड़ो, दिक्कत में आ जाओगे, लेकिन हमने आपकी बात नहीं समझी। आज उसी की सजा मिल रही। सच्ची भाई आप जाइए, ये गलती हमने की है, सजा भी हमें ही मिलेगी। उस दिन मनु को लाने के लिए हम लोगों ने एक लॉरी मंगाई थी, उसी दिन मुझे शक हो गया था, इसीलिए मैंने मुत्तू का पीछा किया और उस लॉरी की तलाशी ली। उस लॉरी में करोड़ों की कीमत के ड्रग्स थे। मेरा शक सही निकला। मुझे लगा यह मामला एडविन मोजेस और शेट्टी के बीच का ही होगा। तब तक मेरा शक तुम लोगों पर नहीं था। कुछ भी हो, मैं जानता था एक न एक दिन एडविन मोजेस इसके लिए बाहर निकलेगा, और इसीलिए मैंने मुत्तू की लॉरी को दूसरी लॉरी से बदल दिया। एडविन मोजेस ने इस फोन पर दोबारा फोन किया था। उसे पता है कि कंटेनर मेरे पास है। मुत्तू ने जितना पैसा मांगा था उतने पैसे लेकर मैंने उसे यहाँ बुलाया है। वो जरूर आएगा। लेकिन पैसे क्यों मांगे? अगर पैसे नहीं मांगे तो उसे हम पर शक हो जाएगा। वो इसे ट्रैप समझकर कभी नहीं आएगा। Let's go.
अगर इन्हें अरेस्ट करके कोर्ट में पहुंचाता तो भी कोई सजा नहीं मिलती, पैसे और पावर से वकील बाहर निकाल लेता और दोबारा यही धंधा करते। क्रिमिनल्स को स्पॉट पर मारना, दैट्स माय पॉलिसी। सचिव भाई, नो, भागो। सच्ची भाई, माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। परिकर, सच्ची भाई देर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, सजा मिली है हमें, भाई का साथ देना दोस्त। तुझे लगा तुझे कोई कभी पहचान नहीं पाएगा, अपने अहंकार में तूने उस ड्रग डीलर को मारकर अपना एक साम्राज्य खड़ा किया, एडविन मोजेस का झूठा नाम इस्तेमाल किया, ये तेरा सिर्फ अकेले का साम्राज्य है, अब इस खेल में तू खुद फंसने वाला है। तूने शेट्टी को मारने की 3 बार कोशिश की, सारे ड्रग माफियाज को अकेले मार देने वाला वेदांता आईपीएस एक एडविन मोजेस को कैसे नहीं मार पा रहा है, इस बात ने मुझे तुझ पर शक करने के लिए मजबूर किया। फिर बड़ी चालाकी से तूने इसे हॉस्पिटल से बच निकलने दिया और तब मुझे यकीन हो गया, मेरे रिश्तेदारों का इस्तेमाल करके तूने मुझे अपने रास्ते पर लाने की नाकाम कोशिश की, तेरी मौत को तूने खुद बुलाया है वेदांता। मेरे परिवार ने जितनी भी तकलीफें उठाई हैं उससे ज्यादा तकलीफें मैं तुझे पहुंचाऊंगा, याद रखना। बाहर ड्रग से भरा कंटेनर तुझे चाहिए ना, उसी के लिए तो आया है, करोड़ों की कीमत की तेरी वो दौलत तेरे सामने ही आज जल के खाक हो जाएगी और तू अपनी आंखों से देखेगा।
तेरी स्टाइल है ना क्रिमिनल को स्पॉट पे मारने की, ये अच्छी पॉलिसी है, लेकिन ये मेरी पॉलिसी नहीं है। जो मेरे लोगों को मारता है उसे मैं अपने हाथों से मारता हूं। सर, सचिदानंद का कॉल है। पिक द कॉल। सर, आपने जो काम बोला था वो हो गया, लेकिन सर एडविन मोजेस को हम जिंदा नहीं पकड़ पाए। वेदांता आईपीएस के हाथों आज वो मारा गया। भले ही वो मारा गया, पर हमारे लिए अच्छी खबर है। लेकिन एक और बुरी खबर है सर, एडविन मोजेस की गोली से वेदांता सर भी मारे गए। ओह, सुसाइड।